किरचॉफ गेव टू लॉज, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स लूप लॉ, विच आर पावरफुल टूल्स टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्किट प्रॉब्लम्स। लेट अस सी व्हाट सेज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सेज दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। दैट मीन्स इफ वी आर हैविंग अ सर्किट लाइक दिस इन विच टू बैटरीज एंड टू रेजिस्टेंसेज आर देयर, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट एंड विल स्टार्ट मूविंग इन एनी डायरेक्शन एंड विल कवर दिस होल सर्किट एंड विल कम बैक टू द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। अब जब यहां से चलेंगे हम तो हमको यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, हम लो पोटेंशियल एंड से हाई पोटेंशियल एंड पे जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये लो से हाई जा रहे हैं तो इसे कहेंगे पोटेंशियल राइज। पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल इस पॉइंट से इस पॉइंट में बढ़ रहा है, तो ये एक पोटेंशियल राइज मिला हमको रास्ते में। आगे चले हम तो जब करंट इस रेजिस्टेंस से पास होगी तो इस एंड से इस एंड तक उसे रेजिस्टेंस कर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा चार्ज के रास्ते में चलने में, तो जो बैटरीज हैं वो इस चार्ज को उन ऑब्स्ट्रक्शंस को ओवरकम करके इस एंड से इस एंड तक जाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, और वो एनर्जी ये चार्ज यहां से यहां तक चलते समय ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए खर्च करता है। जो एनर्जी चार्ज ने खर्च की इस रेजिस्टेंस के अंदर, वो एनर्जी चार्ज की टोटल एनर्जी से कम हो गई क्योंकि वो खर्च हो गई। तो अब चार्ज जिस एनर्जी के साथ बैटरी से जो एनर्जी उसे मिली थी यहां एंटर करता है, उस एनर्जी के साथ बाहर नहीं निकलता यहां से, बल्कि उससे कम एनर्जी के साथ बाहर निकलता है। तो जो एनर्जी यहां खर्च हो गई उसे हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, क्योंकि पोटेंशियल किसी पॉइंट का कैसे डिफाइन होता है, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और एक पॉइंट का पोटेंशियल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जितना काम होगा वो उस पॉइंट के पोटेंशियल में रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर यहां पे उसके पास ज्यादा एनर्जी थी, यहां काम किया चार्ज ने और यहां पहुंच के उसकी एनर्जी कम हो गई, तो जो काम किया वो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा। ये हाई पोटेंशियल पॉइंट है और यहां पर लो पोटेंशियल पॉइंट होगा क्योंकि ये हाई एनर्जी है चार्ज की और यहां से निकला तो चार्ज की एनर्जी कम हो गई। ये कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टेंस का। इसको मैं एक अलग वीडियो में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो जब चार्ज यहां से यहां तक पहुंचा तो उसने यहां पर एक पोटेंशियल ड्रॉप प्रोड्यूस किया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिक्रीज। तो यहां पर हमने पोटेंशियल राइज फेस किया था और यहां पर हमने इस कंपोनेंट के अक्रॉस सर्किट में पोटेंशियल डिक्रीज फेस किया। आगे चले हम तो फिर से हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल इस बैटरी के इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक जाते समय जा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि फिर से हमें एक पोटेंशियल राइज मिला। फिर हम यहां से यहां गए, अब चार्ज जिस एनर्जी के साथ यहां पर इस एंड पर एंटर हो रहा है, यहां पर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करने के बाद उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जो काम वो करेगा वो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा, और क्योंकि एनर्जी यहां ज्यादा यहां कम है वो यहां पर चार्ज के इस पॉइंट के पहुंचने पर हाई पोटेंशियल पॉइंट, और एनर्जी खर्च होने के बाद जब चार्ज यहां पहुंचा तो क्योंकि लो एनर्जी के साथ पहुंचा तो ये लो पोटेंशियल पॉइंट, यानी फिर से हमको एक पोटेंशियल डिक्रीज मिला और फिर हम वहां पहुंच गए जहां से हम चले थे। किरचॉफ लॉ सिंपली क्या कहता है कि आपको जितने भी पोटेंशियल राइज पोटेंशियल डिक्रीज मिले उन सब को साइन के साथ अगर आप इस क्लोज्ड लूप की जर्नी में ऐड कर दो तो वो इक्वल टू जीरो होगा। मतलब पोटेंशियल राइज को आप प्लस साइन के साथ लिखो, पोटेंशियल ड्रॉप को आप माइनस साइन के साथ लिखो, और जितने पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल राइज मिले आपको एक क्लोज लूप की जर्नी में उन्हें साइन के साथ रखोगे जब, तो इक्वल टू जीरो, यानी एनर्जी कंजर्व मिलेगी। तो यहां पर हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज करके ये छोटा सा सिंपल सवाल किया है कि फाइंड करंट इन द सर्किट। कैसे किया है, हमने किसी एंड से, मान लो इस एंड से चलना शुरू किया, तो यहां पर हमको सबसे पहले मिलता है एक पोटेंशियल राइज, मतलब पोटेंशियल बढ़ा तो प्लस टू वोल्ट, तो यहां पर हम लिख लेंगे प्लस टू वोल्ट। और चलने की जो डायरेक्शन है
हम सबसे पहले अगर करंट की डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज मान लें, हम कोई भी डायरेक्शन करंट की मान सकते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, अगर मेरी मानी हुई डायरेक्शन करेक्ट नहीं हुई तो हमारा आंसर विद अ माइनस साइन आ जाएगा और हम समझ जाएंगे कि हमने स्टार्टिंग में जो करंट की डायरेक्शन मानी थी वो इनकरेक्ट थी। लेकिन शुरुआत में हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हमने करंट की डायरेक्शन, क्योंकि हमें करंट पता करना है, मान ली एंटी क्लॉकवाइज और फिर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। रास्ते में जो हमें पहला पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो एक पोटेंशियल राइज था, तो हमने उसको +2 वोल्ट यहाँ पर लिख लिया। अब हम आगे चले तो हमको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला 4 ओम का, जिससे जब करंट फ्लो करेगी तो चार्ज काम करेगा और कुछ एनर्जी अपनी वेस्ट कर देगा। तो जो ये एंड है ये हाई पोटेंशियल एंड होगा, जहाँ चार्ज के पास एनर्जी ज़्यादा है, और ये एंड लो पोटेंशियल एंड होगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी खर्च हो गई है चार्ज की और वो कम एनर्जी के साथ रेजिस्टेंस से बाहर निकल रहा है। तो हम यहाँ पे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज। कितना पोटेंशियल डिक्रीज? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिक्रीज हेयर इज इक्वल टू आई इन टू आर। अब क्योंकि ये पोटेंशियल डिक्रीज है और हम पोटेंशियल राइज को प्लस साइन के साथ लिख रहे हैं, तो यहां पर इस पोटेंशियल डिक्रीज को हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, -4i। आगे चलेंगे तो फिर से देखो हमें एक पोटेंशियल राइज मिल रहा है, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लिखेंगे +10 वोल्ट। फिर आगे चले हम, फिर से यहां पे चार्ज हायर एनर्जी के साथ एंटर करेगा, ये हाई पोटेंशियल पॉइंट है, और एनर्जी खर्च करके रेजिस्टेंस ओवरकम करके जब यहां पहुंचेगा तो उसके पास एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये लो पोटेंशियल पॉइंट है। हाई से लो गए तो यहां फिर से पोटेंशियल डिक्रीज मिला। कितना? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इन टू आर, दैट इज 2i विद अ माइनस साइन, क्योंकि ये पोटेंशियल डिक्रीज है। और फिर हम वहां पहुंच गए जहां से हमने चलना शुरू किया था, तो हमने क्लोज लूप की जर्नी पूरी कर ली। अब किरचॉफ लॉ कहता है एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू 0। तो जहां से चलना शुरू किया था वहां से पोटेंशियल डिफरेंस को एलजेब्रिक सम मतलब साइन के साथ लिखना, तो हमने लिखा +2 -4i +10 -2i एंड दिस एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको i की वैल्यू मिल जानी है 2 एम्पियर। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज किरचॉफ लॉ इन अ सर्किट। ये सिंपल सर्किट था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में बिल्कुल रूल्स को फॉलो करते हुए हम यूज करेंगे। पर इंटरेस्टिंग है कि किरचॉफ लॉ को आप केवल लूप में ही यूज नहीं कर सकते, हम इसको छोटे छोटे सर्किट की ब्रांचेस में भी यूज कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये छोटी सी ब्रांच दी है और हमसे पूछा जाए कि VA-VB यानी पोटेंशियल डिफरेंस एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी बताओ, और हमको 2 ओम 10 वोल्ट 4 ओम 2 वोल्ट कंपोनेंट्स को मिलाकर यह ब्रांच दिखाई गई है और 2 एम्पियर की करंट किस तरफ बह रही है ये बताया गया है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम किसी भी डायरेक्शन से चलना शुरू कर सकते हैं, बी से भी और ए से भी। अगर हम ए से चलना शुरू करें तो हम जहां से चलना शुरू कर रहे हैं वहां का पोटेंशियल वी एट ए लिख लेंगे। फिर जब हम यहां पहुंचेंगे तो करंट यानी चार्ज यहां से यहां बह रहा है, मतलब ये हाई पोटेंशियल एंड है और ये लो पोटेंशियल, तो हमें मिला पोटेंशियल राइज। तो हमने लिखा आई करंट यानी 2 एम्पियर करंट जब यहां से यहां पहुंचेगी तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस? आई इंटू आर, दैट मीन्स 2 × 2 = 4। और क्योंकि ये एक पोटेंशियल राइज है लो से हाई, तो प्लस साइन के साथ हमने लिख दिया 2i × 2 ओम। आगे बढ़े तो अब यहां पर हम हाई पोटेंशियल टर्म से एंड से लो पोटेंशियल एंड पे जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज मतलब -10 वोल्ट। फिर यहां पे पहुंचे तो क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन के उल्टा चल रहे हैं इधर से इधर, तो ये हाई एंड जोन है पॉइंट है, ये लो एंड लो पोटेंशियल पॉइंट है और हमको मिला है पोटेंशियल राइज। कितना? i × r, दैट मींस क्योंकि पोटेंशियल राइज है तो प्लस i × r। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखो यहां पर पोटेंशियल राइज एक और मिलता है लो से हाई, दैट इज +2 वोल्ट। और हम वहां पहुंच गए जिसको हम बी पॉइंट कहते हैं, तो हम यहां पर एक इक्वल साइन लगाएंगे और यहां लिख देंगे V एट B। मतलब जब A से चले थे
तो जो भी एनर्जी या पोटेंशियल लेकर चले थे उसमें यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप या डिफरेंस ऐड हुआ, यहाँ पर माइनस हुआ, यहाँ पर ऐड हुआ, यहाँ पर ऐड हुआ, और ये सब सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बाद जब हम बी पर पहुँचे तो हमारी एनर्जी या पोटेंशियल का स्टेट था वी एट बी। इस तरह से हम वी ए प्लस 4 माइनस 10 प्लस 8 प्लस 2 हमको ये पूरी इक्वेशन दे देगी वी एट बी। और क्योंकि हमें वी ए माइनस वी बी निकालना है तो हम वी ए माइनस वी बी कर दें, यहाँ पे इसको इधर ले आए, और यहाँ पर प्लस 4 माइनस 10 प्लस 8 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि वी बी को इधर ले आए। वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 10 दैट इज प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो वी ए माइनस वी बी हो गया माइनस 4 वोल्ट, जो हमसे पूछा गया था। किरचॉफ लॉ को हमने इस छोटी सी ब्रांच पे इस तरीके से यूज कर लिया। और वी ए माइनस वी बी निगेटिव है, मतलब कि वी ए बी की पोटेंशियल के कंपैरिजन में लो है, और ऐसा है भी, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलती है, तो बी को हाई और ए को लो होना ही था। तो माइनस साइन यहां पर हमको ये भी बता रहा है कि हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही हुआ है। किरचॉफ्स करंट लॉ सेज दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट अ जंक्शन इज जीरो, दैट मींस दिस इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन लॉ, एंड ऑल्सो इट सेज दैट चार्ज विल नॉट बी एक्यूमुलेटेड एट एनी पॉइंट इन द सर्किट। चलो देखते हैं कि हम किरचॉफ्स करंट लॉ को यूज करके कैसे इजिली एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और किरचॉफ लॉ कह क्या रहा है। किरचॉफ लॉ कह रहा है कि किसी जंक्शन पर, जंक्शन मतलब जहां पर सर्किट की तीन ब्रांचेस जैसे ये एक से ज्यादा ब्रांचेस सर्किट की जिस पॉइंट पर मिल रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो यहां पर देखो I2 करंट इधर से आ रही है, I1 करंट इधर से आ रही है, और फिर ये दोनों करंट्स मिलकर I3 करंट के फॉर्म में इधर जा रही हैं, ये जंक्शन हो गया। किरचॉफ लॉ कहता है कि अगर आप I1 को प्लस ले लो, वो करंट जो जंक्शन की ओर जा रही है, तो I2 की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, और जो करंट दूर जा रही है उसको आप निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो करंट्स जो जंक्शन की ओर जा रही हैं दे विल बी नोन एज प्लस आई वन प्लस आई टू, और जो दूर जा रही है वो निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो किरचॉफ्स करंट लॉ सेज दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो ये कह रहा है कि I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू I3, और ये तो हमें दिख भी रहा है कि दो करंट्स अगर यहां मिल रही हैं और फिर ऐसे जा रही हैं तो I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू I3, क्योंकि यहां पर कोई भी चार्ज रुक कर इस करंट को I1 प्लस I2 से अलग कोई वैल्यू नहीं देगा, यहां कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो चार्ज कंजर्वेशन पर किरचॉफ्स करंट लॉ बेस्ड है, और अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर देखो हम जंक्शन में देखते हैं कि इस सर्किट में कितने जंक्शन दिख रहे हैं, एक तो क्यू दिख रहा है और एक एस दिख रहा है। तो अब हम किसी एक जंक्शन को 0 वोल्ट असाइन कर देंगे और बाकी सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल इसी ग्राउंडेड एंड पर के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। तो हम इस प्रोसेस को ध्यान से समझेंगे। हमने एक जंक्शन मान लो इसे 0 वोल्ट असाइन कर दिया, यानी हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो अब इस बैटरी पे आओ, ये 4 वोल्ट का EMF है और 1 ओम का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हमने एक रेजिस्टेंस साथ में ऐड कर दिया 1 ओम का, क्योंकि इसके साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। सिमिलरली यहाँ 3.5 वोल्ट EMF है और 2 ओम रेजिस्टेंस है इंटरनल, तो ये हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया। अब तुम देखो कि जो भी करंट इस जगह इस ब्रांच से चल रही होगी, यानी I1, वो करंट इस पूरी ब्रांच पर सेम रहेगी, कहीं बट नहीं रही है, कहीं कोई और करंट ऐड नहीं हो रही है, तो एक ही करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगी। तो इसको हम एक सर्किट का सेम ब्रांच कहेंगे। और यहाँ हमें एक बहुत ही बढ़िया चीज़ पता होनी चाहिए जो सर्किट को बहुत सिंपल कर देती है, कि अगर 1 ओम के रेजिस्टेंस और 4 ओम के रेजिस्टेंस से एक ही करंट फ्लो कर रही है, तो हम इन दो की जगह इनका इक्विवेलेंट
दैट इज 4+1=5। ये यहाँ पर रख सकते हैं दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस की जगह। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये सेल के दाहिने लिखा हुआ है और ये सेल के बाएं। तो इन दोनों को हमने ऐड किया 4+1 और एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पर 2 ओम और 3 ओम भी सेम करंट जो भी जा रही होगी जैसे I2 वो सेम करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ भी हम 2 ओम और 3 ओम को जोड़कर एक रेजिस्टेंस 5 ओम का लगा सकते हैं। तो ये देखो ये 4+1=5 और ये भी 3+2=5 ओम। तो अब हमारा सर्किट थोड़ा सिंपल हो गया, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कम हो गए। अब हम इस पॉइंट को अर्थ कर 0 वोल्ट असाइन कर देते हैं। अब देखो ये पूरा जो ब्रांच है ये कॉपर वायर है, रेजिस्टेंस क्योंकि नेग्लिजिबल है तो कहीं भी चार्ज को चलने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, चार्ज आराम से यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर जाएगा। तो जब काम नहीं करना पड़ेगा तो चार्ज की एनर्जी भी खर्च नहीं होगी। तो अगर यहाँ 0 वोल्ट था तो ये जो निगेटिव टर्मिनल है इसे भी हम 0 वोल्ट का पोटेंशियल लिख सकते हैं। और क्योंकि इस लाइन और इस लाइन दो टर्मिनल के बीच जो EMF या पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट है, तो इस पॉइंट को हम 4 वोल्ट लिखेंगे और डिफरेंस इन दोनों का 4 - 0 = 4 वोल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर करंट को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इधर से इधर जाने के लिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा और यहाँ पे पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो मान लें हम कि जब यहाँ पर पहुँचा चार्ज, तो क्योंकि इस जगह पर कोई काम नहीं करना पड़ा तो जो भी एनर्जी चार्ज इस जगह से लेकर निकला था वो सेम एनर्जी यहाँ तक पहुँच रही है, तो पोटेंशियल भी सेम यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये 4 वोल्ट हो गया। और कितनी एनर्जी कम हो गई हमको पता नहीं है क्योंकि हमको I1 नहीं पता है, तो इसने कितना काम किया ये नहीं पता है। तो मान लो कि इसको हम कहते एक्स वोल्ट पोटेंशियल, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 4 - x। तो ये एक्स जो है वो यहाँ भी है और यहाँ भी कोई काम करंट को नहीं करना पड़ा, तो एक्स वोल्ट यहाँ और एक्स वोल्ट ही यहाँ। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई काम नहीं करना पड़ा, पर जब इसे क्रॉस करेगी करंट तो काम करना पड़ेगा। ये अगर 0 है तो ये सब 0 वोल्ट, यहाँ पर जब चार्ज पहुँचा तो 0 वोल्ट ही है, लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो क्योंकि पोटेंशियल राइज है तो ये पॉइंट 3.5 वोल्ट है। इसके बाद चार्ज यहाँ पहुँचा, उसने एनर्जी खर्च की और यहाँ पहुँचा, यहाँ एक्स वोल्ट है, तो इस जगह पर करंट क्योंकि यहाँ पे तो कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, वैल्यू यहाँ पे 3.4 वोल्ट ही रहती है जो कि यहाँ घटकर एक्स वोल्ट हो जाती है। तो अब हमारे पास किरचॉफ्स करंट लॉ का इक्वेशन है कि I1 + I2 must be equal to I3। अब हम I1 की वैल्यू लिखेंगे, जो रेजिस्टेंस हमको सर्किट में दिया हो उस पर फोकस करो। तो I1 यहाँ इधर जा रहा है, यानी ये हाई ये लो, तो I1 की जगह हम लिखेंगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई 5 प्लस I2 की जगह लिखेंगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई 5 और I3 की जगह लिखेंगे इक्वल टू, करंट ऐसे जा रही है तो ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई 10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम 10 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ब्रैकेट्स को ओपन करके इसको एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 वोल्ट। इस वैल्यू को हम सर्किट में जहां हमने पोटेंशियल एक्स वोल्ट लिया है वहां ले जाकर रख देते हैं। अब ये एक्स हो गया 3 वोल्ट। तो अब I1 सिंपली कैसे लिखा जाएगा? I1 लिखा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई R, दैट इज 4 - 3 / 5 और ये हो गया 1/5, दैट इज 0.2 एम्पियर। इसी तरह से I2 कैसे लिखेंगे? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 5, तो I2 की वैल्यू हो गई 3.5 - 3 / 5, दैट इज 0.5/5, दैट इज 0.1 एम्पियर। तो I3 कितना हो जाएगा? यहां से भी निकाल सकते हैं 3 - 0/10, दैट इज I3 इज 0.3 एम्पियर, या 0.2 यहां से गया, 0.1 यहां से गया, तो 0.3 एम्पियर। इसको अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से करते तो हमें यहाँ पे दो लूप कंसीडर करने पड़ते, दोनों लूप में हमें इक्वेशन लिखनी पड़ती, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके I1, I2, I3 निकलते। अगर हम इसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन वोल्ट करंट लॉ से ये कैलकुलेशन रिलेटिवली आसान हो जाता है। किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं।
और मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आपको किरचॉफ्स लॉ से सर्किट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन वोल्टेज लॉ के दो लूप के इक्वेशन से सिंपल बनती है और आसानी से सॉल्व होती है।